हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपस किचन। आज का रेसिपी मलाई कोफ्ता बनके। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। ग्रेवी बनाऊंगी तो इसके लिए पहले तैयार कर लेती हूँ। एक चम्मच ऑयल ऐड किया, साथ में थोड़ा सा खड़े मसाला जैसे जीरा, तेज पत्ता, दो तीन तेज पत्ता, दो रेड चिली और एक इलायची, आधा चम्मच जीरा। पहले खड़े मसाला को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई किया और ऐड करूंगी काजू, अनियन, जिंजर, गार्लिक, एक मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। अनियन का हल्का सा कलर चेंज हो गया, अभी ऐड करूंगी टोमेटो। और टोमेटो सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से लो फ्लेम में कुक कर लूंगी। टोमेटो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, इसके लिए आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया और मिक्स करके टोमेटो सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से कुक कर लूंगी। टोमेटो और सारी चीज़ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। अभी जो खड़े मसाला दिया था वो मैं डिस्कट कर दूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होने के बाद ग्राइंडर का जार में पीस के रेडी करूंगी, स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। ग्राइंडर का जार में ट्रांसफर कर लिया, अभी पीस के रेडी कर लेती हूँ। स्मूथ पेस्ट बना लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आज बनाऊंगी मलाई कोफ्ता करी, तो इसके लिए पनीर को मैं पहले से ग्रेट करके रखा, साथ में ऐड करूंगी एक बॉयल पोटैटो और ऐड करूंगी जिंजर, हरे धनिया, ग्रीन चिली और काजू और किशमिश, और ऐड करूंगी टेस्ट कैगुड़ी नमक, और बाइंडिंग के लिए ऐड करूंगी दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से मिक्स करके बॉल्स बना लूंगी। देख ही सकते हैं अच्छी तरह से सारी चीज को मिक्स करके डोसे जैसा बना लिया। अभी इसमें छोटा छोटा बॉल्स निकल के कोफ्ता के बॉल बना लूँगी, तो पहले हाथ क्लीन कर लेती हूँ फिर बनाऊँगी बॉल्स। देख ही सकते हैं हाथ क्लीन कर लिया, अभी छोटा छोटा पोर्शन लेके बॉल्स बना लूँगी ऐसे। एक एक बॉल्स बना लेती हूँ। ऐसे ही सारे बॉल्स बना लेती हूँ। ऐसे सारे बॉल्स को बना लिया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया, जो बॉल्स बनाया एक एक करके ऐड कर देती हूँ और फ्राई होने के लिए रख देती हूँ।
सारे बॉल्स एक ही बार में ऐड कर दिया। और कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँ। जैसे कलर चेंज हो रहा है ऐसे फ्लिप करके करके चारों साइड कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से कोफ्ता को फ्राई कर लूँगी। देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया। चारों साइड एकदम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूंगी। सारे बॉल्स अच्छी तरह से फ्राई हो गया और प्लेट में निकल लेती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो कोफ्ता बनाने के बाद ऑयल कम कर दिया, इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच जीरा और दो छोटा इलायची और साथ में ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और जो पेस्ट पहले से ही बना के रखा वो ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। जो मसाला का पेस्ट पहले से ही बना के रखा वो ऐड कर दिया। और जो जार में लगा है वो भी थोड़ा सा पानी के साथ ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ। अभी जो कोफ्ता फ्राई करके रखा एक डिश में ऐसे अरेंज कर लेती हूँ। और जो ग्रेवी बनाया वो भी ऐड कर दूंगी। साथ में ऊपर से ऐड कर दूंगी थोड़ा सा मलाई। टेस्टी मलाई कोफ्ता बनके रेडी हो गया। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है। ऊपर से हरी धनिया से गार्निशिंग कर देती हूँ। इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।